क्या हुआ? छिपकली यार बेटा, छिपकली तो है, सांप सांप थोड़ी है। मेरे पीछे की मैं छोड़ रही। अब देख, जाना तो पड़ेगा ही ना वॉशरूम। घर चली जाऊंगी। चल देखो, इसमें जाने को इंसान दुनिया को बोल रही, दूसरे वॉशरूम में चली जाऊंगी। हाँ चली जा, वहां मैंने चार पाल रखी है। अरे कुकु चली जा, कुछ नहीं होता। एक बात बता, छिपकली क्या करेगी? तेरी क्या सोच है ऐसी? आके मेरा हाथ चाट लेगी। गाइस पापा भगा रहे हैं छिपकली। मैं तो सोच रही हूँ पापा तेरे को भी भगा दें घर से ना, तो यार है ना मम्मी, सही बात। पापा छिपकली क्यों भगा रहे हैं? छिपकला भी तो भगाएं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और टाइम हो रहा है 10:30 और मैं अरे रुको, अभी भी मजा नहीं आया गाइस। स्टार्ट तो मैं ही करूंगी। बैठ जाती है मम्मी। चलो अरे चंगू मंगू चले गए मेरे चंगू मंगू। बाय बाय बाय। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो करंटली टाइम हो रहा है 10:30 और गाइस मैं क्या बताऊं, पूरे किचन में ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि मम्मी जी सुबह सुबह से ही ना कुछ अजीब सा, उसको बोलते छुंदा, ऐसा कुछ बना रही है। और अकॉर्डिंग टू हर वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए। बट यार क्या फायदा जब इतनी अजीब सी स्मेल पूरे घर में आ रही है, जब उसको खाने में इतना अजीब लगेगा तो क्या फायदा। बाकी गाइस पापा जी योगा कर रहे हैं, कुकू जी पढ़ाई करने आने वाली हैं, मतलब यहाँ उनकी बुक्स वुक्स जम चुकी हैं। और मैं चल के आपको सबसे मिलवाती हूँ। भाई माँ कसम बढ़ती जा रही है बदबू, यहाँ तक आ गई है। भाई मैं भी गई ना, मिलाती जा रही हूँ अपने यंत्र, ये भाई जड़ी बूटी बना रही हूँ। रात को बिस्तर में नहीं, कढ़ाई में से मिलाते हैं ग्रीन लाइट बाजू में। अबे वो सच में वो पता नहीं क्या क्या भाई, यहाँ तक। अब वो धीरे धीरे ना भाई गेट लगा दो, यहाँ तक आ जाएगी ना, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मतलब ये मीठा होता है यार, बहुत सारी चीजें आ रही तो दवाई है बेटा। हाँ, इसको रोज एक चम्मच कोई खा लेना, उसकी आंख और बाल झड़ने बंद और स्किन पे ग्लो। मेरी चमकती त्वचा का राज आंवला। क्या एड प्रमोशन हो रही है यहाँ? गाइस प्लीज कांटेक्ट मम्मी जी फॉर मोर सच दवाई एंड जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां सुनो, मेरी भी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, तुम्हारे हाथ गंदे हो सकते हैं। घुसेड़े थे मेरी आंख अंधे कर दे मुझे अंधा। मम्मी नीचे भी उतनी बड़ी पलक है जितनी ऊपर है। अच्छी बात है ना, मैं सुंदर हूँ ना, फिर भी अच्छी नहीं लग रही। हाय गाइस कैसे हैं आप? दोपहर के बज रहे हैं 1 और मेरा लंच तैयार है। और लंच में है साउथ इंडियन इडली सांभर, नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी और अनुष्का स्पेशल गुलाब जामुन। सब खा चुके हैं, अनुष्का बची है बस। थैंक यू मम्मी जी, वेलकम बेटा जी। तो गाइस हाय गाइस, तो गाइस पापा जी तैयार हो गए हैं। गुड आफ्टरनून, अब मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं पापा जी। थैंक यू बेटा जी। अब आपके लिए कैसे कहे मम्मी, बुरी नीतलों की तरह घूम रही हो घर में? मुझे नींद आ रही है। ये नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। रसगुल्ले भटूरी आलू गोंडा को देख देख के पापा भी मुझे रसगुल्ले भटूरी कहने लगे। आप अपना मुंह दिखाओ व्यूअर्स प्लीज, आप लोग भी बताएं, देखो गोल बिल्कुल रसगुल्ला। शाम को मेरे को भूख लग चुकी है, तो मैंने सोचा कुछ बनाया जाए, तो मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न। और मम्मी ने मना कर दिया, पर वो फिर भी मेरी मदद कर रही है और आखिर में मैं यहाँ आ गई हूँ और वो जाके बना देंगी। तूने कहा कि शाम हो गई है, मुझे भूख लग गई है, तो बेटा ऐसा कौन सा समय है जब तुझे भूख नहीं लगती? मैं बहुत कम खाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये आधी भी बना रही हूँ। अच्छा सुन, ये आधी जैकेट पहनने का क्या मतलब है? स्टाइल है बस, एक माँ ही कर सकती है कि मना करके भी कुकू की पूरी हेल्प कर रही है। एक मिनट मुझे दिखाओ, देखो मुझे इमोशनल सीन देना है भाई। मैं पोछता हूँ, आंसू भी नहीं पोछ पाई बेचारी। कभी खुशी अभी बने नहीं है, सिर्फ उबलने डाले तो मैं सीख गया। कुकु तो इतना बन गई, ये लो पता पूरा प्रोसेस। पर
पानी उबालो, कौन डालो, हो गया बस। गाइस आज तो गजब हो गया भाई, कुकुट मतलब बिल्कुल सीरियस होके आज मम्मी की हेल्प कर रही है किचन में। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा और आप लोगों को भी नहीं हो रहा, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस कुकू कितने सीरियसली काम कर रही है आज। मैं उसके कॉर्न बना रही हूँ ना इसलिए। अच्छा वही मैं सोचू बिना मतलब फ्री पॉकेट तो... में कुछ ना करे। आंसू बह रहे हैं। चलो प्याज ने तो इसे रुलाया। अरे कुकु मत काट भाई, मत काट बहुत। ओ भाई हिम्मत मत हारना। ओ भाई जा यहाँ से चल। मम्मी बेचारी इसकी हालत देखो यार। तो गाइज यहाँ पे बहुत टेस्टी कॉर्न हमारे आ चुके हैं और मम्मी वैसे तो प्लेन बना रही थी बिल्कुल बटर और नमक डाल के, बट मैंने कुकू ने कहा कि आज बढ़िया मसाले वाले कॉर्न बनाओ, तो हाँ ये मम्मी ने बनाए हैं जो कि बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है। अब गाइज अब हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं क्योंकि कुकू जी के आंसू रुक नहीं रहे प्यास से। बड़े मजे में आई थी आज, मैं हेल्प करती हूँ। आ गया स्वाद। तो गाइस 6:30 बज रहे हैं और मेरा बहुत तेज सर भन्ना रहा है, मतलब सर दुख रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोल्ड कॉफी पी ली जाए, क्योंकि गाइस हॉट कॉफी का ना मन हो रहा है, ना इच्छा हो रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं और कुकू जी मिलके अब कोल्ड कॉफी बनाएंगे। नाच वाच रही है यार बाल खोल के वो। भाई एक आइडिया है, क्या अपने खाते तो है नहीं, तो अपन कोल्ड कॉफी कुछ नई स्टाइल की बनाएंगे, क्रीम व्रीम डाल के। ओरियो कोल्ड कॉफी? हाँ कुछ कुछ ओरियो शेक बना ले। आता है? आता तो नहीं है, बट हाँ कोशिश हर चीज कर सकते हैं। देख आए चाचू अच्छा नहीं बना तो मम्मी को पिला देंगे। ला देगा ना कितने भाई, तो भरा हुआ है पूरा पैक ही यही तो। हाँ तो बस बना लेते फिर। ये थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है, हमारी कुकू जी ने हमें बताया है कि ओरियो के बहुत सारे बिस्किट्स पड़े हैं, एंड गाइस ट्रस्ट में हम लोग खाते वाते हैं नहीं है, बस पापा जी ने किस कहां से मंगाए थे ये जियो मार्ट से बस मंगा लिए थे गाइस, और हम खाते नहीं है, तो अभी हम इसका या तो शेक बनाएंगे या कोल्ड कॉफी में कुछ तो एक्सपेरिमेंट करके बस बर्बाद कर देंगे। हाँ पूरी उम्मीद है गाइस आपको भी बचा देंगे। पूरे किचन में ओरियो ही ओरियो होगा गाइस, तो हम आपको बताते रहेंगे गाइस क्या अपडेट चल रहा है, कैसे बना रहे हैं। कुकू तो हम निकाल ले बेटा, सारे अप्लायंसेस निकाल ले जो लगेंगे, और गाइस हम आपका काम शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल हम बना तो रहे थे, सारी प्रिपरेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन छोटा सा पोपट हो गया है वो ये कि आइसक्रीम तो है ही नहीं हमारे यहाँ और हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो अब गाइस हम जा रहे हैं डेली नीड्स, वहां से हमने सोचा ब्रेक तो नहीं क्योंकि सर्दियां आई गई है, तो छोटे छोटे से कप्स ले आएंगे, पर हो सकता है वहां मिले ना। हाँ तो ठीक है एक्टिवा की चाबी पटक के चलते हैं, और वहां नहीं मिली तो बाहर कहीं से ले आएंगे। आइसक्रीम तो बखेरी पड़ी है पूरे ग्वालियर में। बखेरी बतेरी बतेरी कट कट। और पैदल चलना है एक्टिवा से चलना है, जहाँ तक पैदल चलते हैं। और यहाँ नहीं मिली फिर वापस आगे फिर चलेंगे। ये कहाँ की बात हुई? कोई नहीं पक्का। देख चाबी ले आई हूँ मैं, जिम भी नहीं गया जब अपन में से जो। हाँ तो चल फिर भागते हुए चलते हैं। भाग भाग। हाँ भागते हुए जा 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 जा। तो गाइस फिलहाल हमने डेली नीचे सामान ले लिया है, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, यहाँ पे आइसक्रीम है नहीं, और अच्छा हुआ हम चाबी पटक लाए थे। तो गाइस हम जा रहे हैं बाहर कहीं तो भी आइसक्रीम ढूंढने, देखो कहाँ मिलती है। अभी साइकिल फंस गई क्या? ये लो मेरी दोस्त की है। अरे दोस्त की तो छोड़ो, तुम निकलो बेटा। अरे तू क्या खड़ी, तू ये ले ना रे। उठ गई बेचारा, फंसा हुआ था। कोई बात नहीं यार, बच्चों से क्या बोले, बेचारा फंसा हुआ था तब से, वो यहाँ से नहीं निकल पा रहा था। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। हाँ मैंने बोला जिससे पहले मैं रातों को सो ना पाऊँ तो इसकी हेल्प कर दूँ।
तो गाइज अब हम डेली नीड्स के अलावा एक दूसरी शॉप पे आ गए जो हमारे घर के पास है, तो अब देखते हैं यहाँ मिलती है कि नहीं आइसक्रीम। गाइज ये वो शॉप है एंड आई होप यहाँ मिल जाए भाई अंकल। आइसक्रीम है आपके पास? थैंक गॉड। अरे यार एक ही है, क्या करें अब, एक तो ले ही लेते हैं। खोलना बेटा वहां से। अरे आधा नहीं है वो भी वेनिला। तो गाइस फिलहाल हमें सिर्फ एक कप ऑफ आइसक्रीम कॉफी बोल निकलता है, तो खाली एक ही कप मिला है हमें, तो हमने डिसाइड किया है कि अब ज्यादा की जगह हम इतना सा ओरियो शेक ही बनाएंगे, क्या ही कर सकते हैं हम गाइस, और दूर तो जा नहीं सकते, टॉप एंड टाउन यहाँ से काफी दूर है और सर्दी भी बहुत हो रही, मैं जैकेट लेकर नहीं आई। तो गाइस अब जो मिला है उसी में सेटिस्फाई होके हम जाते हैं और फिर अब आपको सीधा घर पे मिलते हैं। अंकल कितने का आएंगे? हो गया। तो गाइस हमारे पीठ पीछे पापा आ चुके हैं क्योंकि पापा की कार यहाँ आ चुकी है। तो ऐसा जो लग रहा है पीठ पीछे पापा ने कोई गलत काम कर दिया हो, पीठ पीछे पापा आ चुके हैं। नहीं तो आ चुके हैं, हमारे पीठ के पीछे आ चुके हैं। अरे तो चल रे, ओ आजा चल चल। ओ भाई नया हेयर कट, अबे मैं कभी नहीं बिगाड़ती पापा के बाल, बचपन से मैं ही बनाता हूँ मेरे पापा के बाल, बहुत ही अच्छे लग रहे पापा इस बार। थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। मैं छोटे छोटे करवाता हूँ, उससे अच्छा बड़े करूँ, बड़े। हाँ हाँ वाह यार, अगली बार छोटी फिर जूड़ा। ये देखो मुझे पता था ऐसे ही कुछ बोलेंगी। फिर पापा बाल खुले रखे। मम्मी देखो, मम्मी आपके हस्बैंड और कितने स्मार्ट लगने लगे यार। आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड तुम्हारे भी कुछ लगते हैं बेटा। अरे मेरे सबसे बेस्ट पापा है, पता है कि कुक्कू नीचे क्या बोलती है। तो गाइस पापा जी हमारे पीठ पीछे आ चुके हैं घर। तो गाइस फाइनली वापस आ गए हैं, जो भी चाहिए था सब कुछ ले आए, तो हम वापस से काम शुरू करते हैं। यहाँ सब फैला पसरी हो चुकी है गाइस, बहुत ज्यादा फैल गया है, तो बेटा अब अपन काम शुरू करते हैं क्योंकि ओरियो शेक तो पीना है। तो गाइस कुक्कू जी आ गई हैं अपने फेवरेट अप्लायंस के साथ, क्योंकि इन्हें बहुत डर लगता है। अच्छा नहीं है मेरा। और गाइस यहाँ पे हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। चल बेटा फुल पे आ, हो जाए हर हर महादेव। तो गाइस आपको ये जान के फाइनली बहुत खुशी होगी कि सक्सेसफुली मैंने और कुक्कू ने बहुत अच्छा ओरियो शेक बनाया है, और वो दिखता कुछ हालांकि पर्पल है पता नहीं क्यों। और गाइस इसके साथ हमने ग्लासेस वगैरह भी निकाल लिए हैं और पापा जी भी आ गए हैं, तो अब गाइस सभी पियेंगे। एक्साइटेड? नो। तो जी यहाँ तैयार हो गई है हमारी ड्रिंक्स। तो हमने ये बनाया है ओरियो शेक, दुबई के शेक। लीजिए पापा। तो बड़ा यम्मी लग रहा है देखने में। थैंक यू मम्मी जी, आपके बाद हम कुछ तो यम्मी बना ही सकते हैं। देखने में ही तो यम्मी नहीं लग रहा। आ जाओ चलो सब चीयर्स करें। कुकू आजा आजा आजा, पोंगे पंडित चीयर्स। पी के बताइए सबके सब। बढ़िया, पक्का ना? मैंने इसमें आइसक्रीम भी डाली है ना। हाँ वो एक ही बचा था कप, मम्मी वो ले आए हम। आ रहा है ना पापा जी? हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा राउंड मारने और अपनी पुज्जू को कुछ दिलाने। वो सौंफ खाती हैं तो उनकी सौंफ खत्म हो गई है। सौंफ के नशे चलते हैं मम्मी के। yes. और गाइस 9 बजने वाले हैं और पापा जी का आज बहुत क्यूट सा हेयर कट भी हो गया है। ओके पापा जी। बाय पापा जी। आप ही का लेने जा रहे हैं पापा नशा। मेरा गुटका। 1.5 किलो। खुश मम्मी। 1.5 किलो सौंफ। 15 दिन का तो हुआ इनका। बस 15 नहीं 10 दिन का। मम्मी बहुत सौंफ खाती हूँ। क्यों खाती हो? तो ये मेरा गुटका है, मुझे अच्छी लगती है। शर्म आ रही है बोलते हुए, बट ये नुकसानदायक नहीं है ना। आई नो इट इज गुड फॉर हेल्थ बट स्टिल। पापा अति किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जते। अरे बाप रे।
अभी ना मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जहाँ से हम मैंने बहुत ज्यादा रही हूँ ना मैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ना कैफे बने हुए हैं, मतलब हर गली में आप देखोगे। लेकिन मैंने अभी ध्यान दिया कि गाइस ग्वालियर में भी ना आजकल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा कैफेज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, और सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं होंगे वो, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई सारी मैं जा चुकी हूँ और जाती रहती हूँ, और अभी मैंने ना यहाँ पे देखे गाइस, तो यहाँ पे भी ना गाइस वैसी डेवलपमेंट अब शुरू हो चुका है, क्यों पापा जी, है ना, कितने कैफेज रोड साइड में, ग्वालियर इज गोइंग गोइंग। तो गाइस हम लोग लौट आए हैं, सौंफ ले लिए, पूजा की सौंफ ले ली है हमने, और अब ऊपर जा रहे हैं। थैंक यू बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, थैंक यू पापा। तो गाइस 11 बज चुके हैं, हम लोग घर आ गए थे, और अब समय आ गया इस व्लॉग को यहीं पे समाप्ति करने का, मतलब एंड करने का, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, और अब आपसे मिलूंगी सीधे कल। अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी ऑल विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कोल्ड कॉफी बनानी है ना फिर, या हॉट बना लूं इस टाइम पे? नहीं पर मैं जेन्युइनली तेरे से बात कर रही थी, कुछ शक भी ना हो यार।